ऐतिहासिक गांव पंजोखरा का विकास हो, इसी मकसद से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस गांव को गोद लिया है। उनका दावा है कि यहां पर लगभग 12 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं और करोड़ों रुपए के विकास कार्य आने वाले समय में करवाए जाएंगे। राजनीति की पिच के धुरंधर चैंपियन खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के ऐतिहासिक गांव पंजोखरा साहिब को विकास करवाने के मकसद से गोद लिया है। विज समर्थकों की माने तो गांव में अभी तक लगभग 12 करोड़ रुपयों के काम करवाए जा चुके हैं, जिससे गांव की सड़कों, गलियों, शमशान घाटों और चौपालों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसके अलावा गांव में पीने के पानी और बिजली का भी पर्याप्त बंदोबस्त कर दिया गया है। वहीं सरकार ने अंबाला कैंट से पंजोखरा साहिब की ओर जाने वाली सड़क भी मलाईदार बना दी है। इस रास्ते में पड़ने वाली सेना के अधिकार क्षेत्र की 1 किलोमीटर टूटी सड़क पर भी जल्दी ही काम शुरू होने की संभावना है। इसमें लगभग 12 करोड़ रुपए के काम कराए जा चुके हैं। इसमें कई टूटी हुई चौपालों को नया बना के दिया, कई भवन जो टूटे हुए थे उनको ठीक करवा के दिए। लगभग 31 जो गलियां थी वो पक्की करवा के दी हैं और जितनी भी मेन रोड्स थी वो सारी बनवा के दी हैं, स्ट्रीट लाइट लगवा के दी है। अभी और भी काफ़ी काम उसमें होने वाले हैं। नहीं, वो जो तोपखाना से जोखड़ा साहब को सड़क जाती है उसमें जितनी PWD की थी सड़क वो तो हमने बनवा दी थी, उस पर लाइटें भी लगवा दी थी, बेंच भी लगवा दिए थे, लेकिन बीच में सेना की सड़क आ जाती है। अब सेना को मैंने डिफेंस मिनिस्टर को कई बार लिखा और पता लगा कि शायद कुछ पैसा सेंक्शन भी हुआ है और यहाँ पे भी जो सेना के और बोर्ड के अधिकारी हैं उनको बार बार कहा जाता है कि आप इसको करो और अगर आप नहीं करना तो हमें NOC दे दो, हम कर लेंगे। गांव के सरकारी स्कूल के मैदान में प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों को खेल मंत्री अनिल विज से बहुत उम्मीदें हैं। इन युवाओं का कहना है कि गांव में विज ने बहुत विकास करवाया है, परंतु यह खेल का मैदान आज भी बदहाल है। ग्राउंड में ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही प्रैक्टिस करवाने के लिए कोई कोच उपलब्ध है। खेल का सामान भी रख रखाव के अभाव में खराब हो गया है। मंत्री ने गोद लिया गांव और वो खेल मंत्री है जी, और सबसे बड़ी समस्या ही ग्राउंड की है। नया तो यहाँ खेलने के लिए ट्रैक है जी, और वॉलीबॉल की हमारे गांव की बहुत अच्छी टीम है, स्टेट लेवल तक गई है, तो उसके लिए भी नहीं है ग्राउंड की उपलब्धता। पानी के लिए पानी नहीं है, खेलने के लिए सामान नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो गोद लेने के बाद ट्रैक, ग्राउंड सब कुछ खराब है। एक भी कोच नहीं है हमारे पास किसी भी गेम के लिए। देखो, खेल मंत्री का ग्राउंड लिया है कि तो खिलाड़ियों के लिए सुविधा तो चाहिए ना। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मानना है कि सरकार मूल विकास से पिछड़ी हुई है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए और ना ही कोई इंडस्ट्री लगाई गई जिससे युवाओं को नौकरी मिल सके। 3 साल में एक सड़क तो इनसे बननी पड़ी 1 किलोमीटर की, जबकि सेंटर में भी और स्टेट में भी इनकी सरकार रही है, तो विकास कहाँ पे हुआ। रही बात अस्पताल की, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, खाली बिल्डिंग से तो इलाज होने वाला नहीं है, और स्टेडियम की हालत आप देख रहे हैं, सारा स्टेडियम उखड़ा पड़ा है, खिलाड़ियों के खेलने के लिए जगह नहीं है। और बात करते हैं विकास की, 80 लाख का फुवारा फुटबॉल को गिरा कर वहाँ पर लगा दिया गया, तो युवा को कोई नौकरी नहीं मिली इस सरकार में। अगर यूथ की बात करें तो वो गुड़गांव या नोएडा या दिल्ली जाकर नौकरी करने को मजबूर नहीं होता। अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री या सरकार लाती, इस सरकार ने कोई बड़ी इंडस्ट्री पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाए नहीं है। मंत्री हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े, इतने MLA हैं सरकार के, अपने आप को सरकार के बहुत करीबी मानते हैं, पर यूथ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।